जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता लाइए। सारी शॉपिंग तो हो गई और थोड़ी देर में हम शिमला में होंगे, तो कुफरी के लिए तैयार? हाँ तैयार, बस आप एक बार दद्दा जी से बात कर लीजिए। आपका हुक्म सर, आंखों पर। आप ये सब पैक कीजिए, मैं अंदर होकर आता हूँ। मुझे माँ को सारी शॉपिंग दिखानी है। एक सेकेंड, हाँ पकड़िए। चलिए अम्मा जी आइए। लाइए। हो गई शॉपिंग? हाँ माँ, सब काम हो गया। आपने जो लिस्ट दी थी वो भी ले आए। मुन्ना, तुम्हारे दद्दाजी कमरे में तेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, मुझे भी उनसे कुछ बात करनी है, मैं अभी आता हूँ। लीजिए। दादाजी, मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं, क्लाइंट्स की फाइल्स भी रख ली हैं, और दादाजी जो आपसे बात करनी थी। ये क्या है? टिकट्स आ गई। दो टिकट किसके वास्ते? दादाजी वो मैं आपसे कल से बताना चाह रहा था कि मैं अक्षरा को भी ले जाऊं। वो क्या है ना दत्ता जी, अगर टिकट्स कल बुक नहीं कराता तो आज नहीं मिलती, और आप तो बिजी थे, इसे सोचा कि पहले करा लूं। ठीक किया ना दत्ताजी? माँ, हमने आज बहुत सारी शॉपिंग की, इन्हें जूते लेने थे, वो भी अच्छे मिल गए। ये स्वेटर देखिए कैसा है, इन्हें यही कलर चाहिए था, कह रहे थे ये कलर इन पे बहुत सूट करता है। और ये देखिए, ये मैंने पसंद किया है इनके लिए, अच्छा है ना? अच्छा, इन्हें मोजे भी लेने थे, मोजे भी बहुत अच्छे मिल गए, यही शेड चाहिए थी, कह रहे थे साथ ले जाएंगे, अच्छे है ना? और ये मफलर आपको मिल नहीं रहा था ना, ले आए हम लोग, ग्लव्स भी हैं, और ये टोपी देखिए, इनका कलर कितना अच्छा है ना? अक्षरा, ये सब अंदर ले जाओ और सामान पैक कर दो। जी।
मैंने एक बात बता मुन्ना, हम तने वहां काम के वास्ते भेज रहे हैं या सैर करने के वास्ते? तने जो काम दिया गया है तने वो मजाक लागे है, पर मने एक बात समझ ना आती, थारे मन में बहू को साथ ले जाने का विचार आया कैसे? दादाजी मैं काम से बीच में ना रोक, मारी बात पहले पूरी खत्म होने दे। इस घर के सारे निर्णय हमेशा बड़े लोगों ने लिए हैं, ये बात तने बार बार समझाने की जरूरत न पड़े। कारोबार करना बच्चों का खेल ना है, गंभीर होना सीख अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहे है तो। देर हो रही है, एयरपोर्ट पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा। दादाजी से बात कर ली ना? सच? चलिए यहाँ भी सब रेडी हो गया है, मैंने सारी पैकिंग कर ली है, सब तैयार है। आपको और कुछ पैक करना है? अच्छा बताइए, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने ना आपका कैमरा भी रख लिया है, हम वहाँ खूब सारी फोटोज खींचेंगे। आप साथ में नहीं जा रही है। हाँ, दादाजी ने साथ में जाने से मना कर दिया है। I'm sorry. नहीं नैतिक, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो मुझे ले जाना चाहते थे, मैंने ही भूल कर दी। मुझे पहले ही मना कर देना था। दादाजी सही कहते हैं, काम काम होता है, आपको अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाना चाहिए। कोई लापरवाही हो गई तो माँ ने गलत नहीं कहा, मुझे घर में रहना चाहिए। हमारे यहाँ भी आज तक कभी भी माँ बाबूजी के साथ कहीं बाहर नहीं गई, कभी नहीं। वैसे भी मैं वहां क्या करती, आप तो अपने काम में लगे रहते, मैं यूं ही बोर हो जाती। ना अपने आप को समझाने की जरूरत है ना मुझे। I'm sorry, अक्षरा। काश हम लोग साथ में जा सकते। इस वक्त आपके लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी आपका काम है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। वहां भी आप खूब मन लगाकर काम कीजिएगा। माँ का फोन है।
हेलो अक्षरा, तूने हमें नहीं बताया पर हमें पता चल गया। क्या माँ? कि तू शिमला जा रही है जमाईसा के साथ। हाँ माँ, मैं नहीं। अरे नहीं क्या? अच्छा सुन सुन, तू वर्षा पर नाराज मत होना। वो क्या हुआ कि बातों ही बातों में वर्षा ने मुझे बता दिया। तूने तो उसे मना किया था ना बताने के लिए, पर अच्छा हुआ ना उसने मुझे बता दिया। तेरे कितने सारे गरम कपड़े स्वेटर यहाँ रखे, तू कहे तो वहां भिजवा दूं। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं है, बेटा तेरे ही तो कपड़े हैं। और हाँ, वहाँ ठंड लग गई तो क्या करेगी? जरा सी ठंडी हवा लगती है तो छींकना शुरू कर देती है, और वहाँ जानती है बर्फ होगी। माँ मैं नहीं जा रही हूँ। क्या? हाँ माँ। क्यों बेटा? माँ ये वहाँ बिजनेस के काम से जा रहे हैं, घूमने नहीं। इनके पास वहाँ जरा सी भी फुर्सत नहीं होगी और मैं ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, इसीलिए मैंने मना कर दिया। बाद में कभी चले जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा हुआ तू आ गया मुन्ना, ले ये थर्मस भी रख ले, वहां की सर्दी में काम आएगा तेरे। मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतना नाराज हो जाएंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अक्षरा को साथ में ले जाने में हर्ज क्या है, क्यों नहीं आ सकती वो मेरे साथ? तू अब क्यों पूछ रहा है मुन्ना, तुझे पहले पूछना चाहिए था, मैं तब भी तुझे मना ही करती। पर क्यों माँ, अपनी बीवी को साथ में ले जाना कोई अपराध है क्या? आज तक कोई गया इस घर से, मैं या भाभी माँ कभी भी बाहर गए हैं? मुन्ना तू बिजनेस के लिए जा रहा है, वहां बिजनेस होगा, पत्नियों को साथ में लेके थोड़ी ना घूमेंगे। बेटा औरतों का काम होता है घर परिवार को संभालना, हम लोग अपना काम करती हैं, तुम लोग अपना काम करते हो। पर आपका जमाना अलग था माँ, आज के जमाने में तो सब लोग एक साथ घूमने जाते हैं। तो ये बात पहले करनी चाहिए थी दादाजी से, किसी को बिना बताए तो टिकट ले आया बेटा, अब वो गुस्सा तो होंगे ना। पूछने वाला था माँ पर मुझे मौका ही नहीं मिला, लेकिन इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं कोई अपने काम से मुंह थोड़ी ना मोड़ रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारियां जानता हूँ, और आप कहते हैं कि पूछा क्यों नहीं, और वैसे भी अब पूछ लिया तो कौन सा किसी ने हाँ कह दिया, वही होगा जो आप लोग चाहते हैं। अब तो आप लोग सब खुश है ना कि मैंने अक्षरा से कह दिया है कि वो मेरे साथ नहीं जा रही। मुन्ना अब इसमें मेरी क्या गलती है बेटा? ये बच्चों की चिंता ना माँ को कभी चैन से नहीं रहने देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, आप यूं ही सोच रही है। अरे नहीं छोटी, अक्षरा की आवाज सुन के मुझे पता चल गया कितनी उदास है। पता नहीं क्या हुआ, बेचारी जाते जाते क्यों रुक गई। दीदी वैसे भी जमाईसा के जाने के बाद अक्षरा बिल्कुल अकेली हो जाएगी ना, तो
क्यों ना हम अक्षरा को यहाँ बुला लें, उसका भी मन बहल जाएगा। पर पता नहीं छोटी, उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? क्यों कुछ कहेंगे, ऐसे भी जमाइसा तो चले जाएंगे और उसके ससुराल वाले इतना रोक टोक नहीं लगाते। आप पूछ के तो देखिए। ठीक है, अगर अक्षरा आ जाती है तो मैं वर्षा को भी बुलाऊंगी। हाँ? ये ठीक रहेगा। हाँ, दोनों बच्चियों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी। क्या कहा? क्या आपने कुछ कहा माँ? नहीं। छोटी, मैं क्या सोच रही हूँ कि वर्षा को रहने देते हैं। बेचारी इतने दिनों बाद माँ के घर गई है, थोड़ा समय उसे वहां भी बिताना चाहिए। नहीं माँ। क्या नहीं? नहीं मतलब मैं कुछ और सोच रहा था। वैसे तो ये कान बहुत ऊंचा सुनते हैं और वर्षा का नाम एक बार में सुनाई दे गया, तुझे तो वर्षा ही आकर ठीक करेगी। कल जाकर उसे ले आ। हम अक्षरा को भी बुलाने की सोच रहे हैं। ओ अच्छा, तो आप ये कह रही थी? हाँ, मैं ये बात कर रही थी शैतान। थैंक यू सो मच माँ, यू आर सो स्वीट। थैंक यू सो मच। शैतानी गई नहीं इसकी अब तक। वैसे एक बात है, दोनों बच्चियों के आने के बाद घर में रौनक खूब हो जाएगी। बिल्कुल। दीदी आपसे एक बात कहनी थी। यही ना कि अक्षरा का ध्यान रखना। वो बहुत अकेली हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे दादा डोंट वरी, हम है ना बहुत अच्छे से भाभी का ख्याल रखेंगे कि वो आपको मिस ही नहीं करेगी। चुप कर रश्मि। हाय बडी, जाने की तैयारियां होगी? हाय स्वीटहार्ट। और ये तेरे चेहरे पे लग रहा है शिमला की सारी ठंडी बर्फ अभी से गिर गई है, चेहरा अभी से सूख गया। और ये सिर्फ एक बैग क्यों? भाभी की अब तक अपना सामान पैक कर रही है। अक्षरा नहीं जा रही। क्यों? तथा जी ने मना कर दिया है। ओके, पर क्यों? पता नहीं नैतिक ने कैसे सोच लिया, बाबूजी तो कभी परमिशन नहीं देते इसके लिए। लागू लागू, देख मुन्ना तेरे लिए हलवा डाल दिया है, अचार है, खाना तेरा पैक किया है और थर्मस में गरम गरम दूध है, पी लेना। माँ ये सब फ्लाइट में नहीं ले जाना। आ, बच्चों के लिए सब चलता है, दूध भी हलवा भी सब कुछ। माँ ऐसे भेज रही है जैसे मुन्ना हॉस्टल जा रहा है पढ़ने के लिए जहाँ कुछ नहीं मिलता। वो चुप कर, माँ से दूर जा रहा है तो तैयारी तो करूंगी ना। मुन्ना खुद का ख्याल रखना। मुन्ना सारी बातें यही खत्म कर दे, दिल से मत लगा, खुशी खुशी जा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।